दोस्तों, सरल भाषा में बच्चों को पढ़ाने और YouTube पर वीडियो बनाने वाले खान सर की सोशल मीडिया पर एक नई खोज शुरू हो गई है। लोग जानना चाहते हैं कि खान सर का असली नाम खान है या अमित सिंह। इसलिए हम एक लंबी खोज के बाद एक बड़ा सच आपके सामने लाए हैं। सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं Time24 न्यूज़। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय पहले फ्रांस और पाकिस्तान के संबंध पर खान सर ने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था। इस वीडियो में वह एक जगह बताते हैं कि पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश से वापस भेजने के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शन करते बच्चों की तस्वीर को पॉइंट करते हुए खान सर बोलते हैं कि ये बेचारा बचवा को क्या पता कि राजदूत क्या चीज़ होती है। खान सर आगे बोलते हैं कि बाबू लोग, तुम पढ़ लो, अब्बा के कहने पर मत आओ, अब्बा तो पंचर साट ही रहे हैं, ऐसा तुम लोग भी करोगे तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। खान सर ने एक और टिप्पणी की थी कि अगर 18-19 बच्चे होंगे तो कोई मजदूरी करेगा, कोई बर्तन धोएगा, कोई मीट काटेगा तो कोई पंचर साटेगा। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लोग तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौरा बैठ के मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का? बैनर से छोटा है बेचारा, ये है, क्या कीजिएगा? 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, सो कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहें सब, तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोच रहे इनको नामों कौन सी होगा, छोटका, मझिला, पतरका, यही सब करेगा सभी। खान सर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनका असली नाम जानने के लिए सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक वीडियोज अपलोड होने लगे। अब अपने नाम को लेकर चल रहे विवाद पर खान सर ने एक और वीडियो YouTube पर अपलोड किया है और इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। खान सर कहते हैं कि क्लास को पढ़ाने के दौरान मजा के अंदाज में जब बच्चों ने उन पूछा तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अमित नाम से भी बुलाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नाम अमित है, मुझे अमित सिंह के नाम से भी बुलाया जाता है, हमने ये नहीं कहा कि मेरा ये नाम है, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। खान सर आगे कहते हैं कि अगर मुझसे प्यार से पूछा होता तो मैं अपना नाम बता देता, लेकिन मेरे नाम के पीछे इतना विवाद हो गया कि अब अगर मैं अपना नाम बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि खान सर डर गए। अब आप बताइए, आप में से कोई उठ के कहेगा कि हम NRC की ओर से आए हैं, खान सर आप अपना पेपर दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, असली नाम बताइए, क्या हम उसको दिखा देंगे? अरे यार, कोई ट्रेन का ड्राइवर आपको आके हम कहेगा टिकट दिखाइए, नहीं दिखाएंगे, आप TT ही दिखाता है, तो हम खुद बता देंगे। और हम अगर आप प्यार से पूछते, हम खुद सोचे थे 2-4 दिन में बता देते, लेकिन इतना कॉन्ट्रोवर्सी हो गया कि अगर अब बताएंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि खान सर डर गया। खान सर ने कहा कि जब आप कौन बनेगा करोड़पति में जाएंगे तब अमिताभ बच्चन सर से बोलना और वो ऑप्शन में वह नाम रखेंगे, फिर मैं आपको अपना नाम फ़ोन पर बताऊंगा जब आप लाइफलाइन यूज़ करेंगे। खान सर कहते हैं कि जब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हमसे करता है तो हम उससे कह देते हैं कि भैया जो तुम्हें ठीक लगे करो। खान सर ने वीडियो में एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जैसे ही ये कंट्रोवर्सी यानी ये जो विवाद उनके नाम को लेकर चल रहा है, जब ये विवाद शांत हो जाएगा उस दिन वो अपना नाम खुद बता देंगे। हाँ, रही बात नाम की, तो कौन बनेगा करोड़पति में पूछेगा कि बताओ रियल नेम ऑफ खान सर, कंप्यूटर जी चारों ऑप्शन दिया जाए। देखिए, फैजल खान भी कुछ कहते हैं, अमित सिंह कहते हैं, फैजल खान, मन्नान खान, कंप्यूटर जी किसे लॉक कर दिया जाए? तो आप लोग कोई जाइएगा ना कौन बनेगा करोड़पति में, तो बच्चन जी से कहिएगा, अमिताभ बच्चन जी से, कि हमको फोन लगाए, उस दिन हम आपको सही बताएंगे। अरे करोड़ों का चीज़ है ये, यहाँ पे इतना आराम से कैसे हमें बताएंगे? हमको कोई जोर जबरदस्ती करता है ना, हम कह देते हैं हाँ भैया आपको जो समझना है समझ जाओ, समझदार अपना समझ जाएगा। हम कभी भी खुल के ये नहीं कहें कि नाम यही है, हम बता देंगे आपको, जैसे कंट्रोवर्सी शांत होगी, मामला शांत होगा, खुद ही बता देंगे आपको। विवाद की वजह क्या है इस पर खान सर ने बताया कि मैंने 24 अप्रैल को फ्रांस के राजदूत के खिलाफ पाकिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही तहरीक लब्बैक पार्टी, जो पाकिस्तान की पार्टी है, उसके लोग पंचर छाप, उन लोगों को पंचर छाप बोला था, ना कि किसी मुसलमान या किसी पाकिस्तानी को पंचर छाप बोला था।
पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर। हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम लिया, हमने तहरीके लबैक पार्टी को बोला क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे। पाकिस्तान एम्बेसी से फ्रांस के राजदूत को निकालने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था जिस पर खान सर ने वीडियो बनाई थी। दोस्तों आपको बताते चले कि साल 2020 में इमरान खान जो वहाँ यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तहरीक लबैक पार्टी को ये आश्वासन दिया था कि फिलहाल कोरोना काल है, जब 2021 आएगा तो फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद इस पार्टी के लोग शांत हो गए, लेकिन इमरान खान जब अपने वादे पर खरे नहीं उतरे जिस पर उन्होंने वादा किया था, तो ये पार्टी के लोग फिर सड़कों पर उतर आए और इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वीडियो के अंत में खान सर ने कहा कि लगता है अब हमको यूट्यूब से अलविदा कहना पड़ेगा। इस दौरान खान सर ने लोगों से कमेंट के माध्यम से उनकी राय भी मांगी है और भावुक होते हुए कहा है कि पता नहीं कौन सा वीडियो मेरा आखिरी हो जाए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने अपनी खोज में जो सबसे बड़ा सच पाया वो ये है कि आदमी की पहचान उसके काम से होती है, नाम से नहीं। और खान सर ने अपनी आधे घंटे की इस वीडियो में ये भी बताया कि वो इसमें नाम कब बताएंगे और ये भी बताया कि आखिर इस पर विवाद क्यों हो रहा है। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात जो उन्होंने कही कि अधूरी जानकारी बहुत घातक साबित होती है। ये अधूरी जानकारी का ही नतीजा है जो वीडियोज़ अपलोड वायरल हो रही हैं और उनको कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी खान सर के वीडियोज़ देखते हैं तो बताइए कि आप उनके नाम से उन्हें पहचानना चाहते हैं या उनके काम से। खासकर इसका जवाब उनके द्वारा क्लासेस लेने वाले छात्रों को तो ज़रूर देना चाहिए। और दोस्तों मैं अपनी तरफ से आप सब से ये कहना चाहता हूँ कि खान सर के नाम पर विवाद पैदा ना करें, बल्कि ऐसे में सरकार से बढ़ती महंगाई और घटते रोज़गार पर सवाल करें। क्योंकि दोस्तों वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। यानी दिमाग खाली रहेगा तो ऐसे उठपटांग विवाद हमारे ख्याल में आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।